हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम श्रेया और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है लाइक ओल्ड साड़ी का रीयूज़ करना। हम अपने पुराने साड़ी को कैसे नए तरीके से यूज़ करके उसे पहनने लायक बना सकते हैं और उसे अपनी डेली लाइफ यूज़ में ला सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं हमारे पास जो कि हम बहुत बार पहन चुके हैं, अब हम उसे नहीं पहनना चाहते या मतलब पुराना हो गया है, अब उसमें वैसा शाइन नहीं बचा है या उसका कुछ नहीं उतना अच्छा लग रहा है पहनने में, तो आप उसे हटा देते हैं अपने कलेक्शन में से या अपने डेली वेयर में से, हम उसे साइड करके रख देते हैं। तो वैसे साड़ियों को हम किस तरीके से नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आज मैं आप लोग शायद वही शेयर करने वाली हूँ। लाइक साड़ियाँ यूज़ करने का बहुत सारा ऑप्शंस है हमारे पास में, हम पुराने साड़ियों को बहुत सारे नए तरीकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइक कुछ भी आप बना सकते हैं, लाइक सूट बनवा सकते हैं, लहंगा बनवा सकते हैं, प्लाजो बनवा सकते हैं, ओवर जैकेट बनवा सकते हैं, लॉन्ग वाला, सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और यहाँ पर मैंने दो अपनी साड़ियों को रीयूज़ करवाया है और जो सबसे पहला साड़ी जो मैं आप लोग सब में शेयर करने वाली हूँ वो ग्रीन और क्रीम कलर जो मिक्स में था, ये साड़ी मैंने इसे बहुत बार पहना हुआ था मगर बहुत बार पहनने के बाद अब मुझे इसको नहीं अपने लाइक कहीं भी जाने आने में मुझे नहीं पहनना था, तो इसीलिए मैंने इसका एक अनारकली में इसको कन्वर्ट करवा लिया है। अब लाइक ये नया भी बन गया है और इसे मैं आराम से कैरी भी कर सकती हूँ। तो जो फर्स्ट साड़ी का जो लुक है मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ, लाइक उस वो अनारकली बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है देखने। ये जो है उसका अपर पार्ट है, ये मेरे साड़ी का आँचल था और इस आँचल को मैंने एज अपर पार्ट स्टिच करवाया है। ये मेरी साड़ी का अपर पार्ट है और ये क्वार्टर स्लीव दिलवाया मैंने, यहाँ पे बॉर्डर ऐड करवाया है। और ये है उसका नीचे जो अनारकली का जो नीचे वाला लुक आता है वो, ये मेरे साड़ी के नीचे में था, साड़ी का पूरा जो नीचे का पार्ट है वो पूरा ऐसा हैवी बॉर्डर सा था और उसे जब अनारकली में स्टिच करवाया था इतना लंबा जो है वो नीचे वाला और पूरा बॉर्डर वाला, इसका जो स्टोन्स आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा शाइन अभी भी है इसमें। लाइक ये मेरा बहुत पुराना साड़ी भी नहीं था, मैंने इसे चार पांच बार पहना था, उसके बाद वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने इसे अनारकली बनवाया है। लाइक ये जब कंप्लीट आप पहनते हो तो बहुत ही अच्छा लुक देता है इसका। मैं इसका एक फुल फ़ोटो इंसर्ट जरूर करूँगी, आप उसको चेकआउट करिए कैसा लग रहा है देखने में। और एक्चुअली साड़ी होता है जो 5.5 मीटर लॉन्ग होता है और उसका जो आँचल होता है वो भी अच्छा खासा लंबा था, खासकर इस साड़ी का आँचल जो था वो बहुत लंबा था, तो अपर पार्ट बनाने में जितना लगा उसके बाद जो कपड़ा बचा उसका जो लेस वाला वर्क था वो निकल करके बाहर आ गया था और सिर्फ कपड़ा ही यहाँ पे यूज हुआ। तो मैंने उस लेस को एक दुपट्टे में दोनों साइड से स्टिच करवा लिया ताकि इसके मैचिंग का मेरा जो दुपट्टा है वो भी बन जाए। ये एक नॉर्मल सा दुपट्टा ख़रीद करके उसके पूरे बॉर्डर पे मैंने ऐसा लेस को स्टिच करवा लिया है और मेरा जो दुपट्टा है वो अनारकली के साथ में पूरा मैच हो गया। और इसको अब अगर मैं उस अनारकली पे लेती हूँ तो ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता, एकदम सेट में लगता है। तो लाइक ये तो था फर्स्ट, लाइक आप साड़ी के साथ में उसको अनारकली में बनवा लीजिए। आप चाहे तो एक ही कलर में बनवा सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो कलर वाला साड़ी चूज़ किया था, हाफ हाफ वाला जो आता है वो वाला साड़ी, तो जिससे कि आँचल वाला पोर्शन को मैंने अपर पार्ट बनवाया और जो नीचे का साड़ी था उसका पूरा मेरा नीचे का अनारकली बन गया। या आपके पास अगर एक कलर वाला भी कोई साड़ी है जिसे आप नहीं पहन रहे, नहीं यूज़ कर रहे, तो उसका भी आप इस तरीके से लहंगा बनवा अनारकली सूट बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा उसका। जो सेकेंड साड़ी थी मेरे पास में वो थी कुछ आर्ट सिल्क साड़ी था, उसे मैंने बस दो बार ही पहना था और उसके बाद वो साड़ी ऐसे ही रखी हुई थी, बिकॉज उस टाइप के बहुत सारे साड़ी है तो एक ही टाइप का साड़ी ज़्यादा नहीं पहन सकते, कितना पहनेंगे हम। तो इस साड़ी को मैंने एक लहंगे में कन्वर्ट करवाया बिकॉज आई थिंक सिल्क वाला जो लहंगा आता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत रिच लुक देता है, तो मैंने भी उस साड़ी से एक लहंगा का सेट बनवाया। ये जो है ये मेरे लहंगे का अपर पार्ट है, आप देख सकते हैं कि
क्योंकि इसका जो ये गोल्डन वाला शाइन है ये भी अगेन मेरा आंचल वाला वर्क है, जो आंचल का वर्क था उसे मैंने आगे में दिलवाया है और इसमें कोई हुक हुक ब्लाउज स्टाइल में नहीं सिलवाया मैंने, इसके पीछे में मैंने ये चेन डलवाया है, पीछे चेन डलवाया है और इसे एक ट्यूनिक सेट की तरह सिलवाया था मैंने, ताकि इसको हम चाहे तो दुपट्टे के साथ कैरी करें और अदरवाइज आप विदाउट दुपट्टे के साथ में भी अगर इसको कैरी करते तो भी ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है देखने में, बिकॉज उसका जो स्टिचिंग था वो बहुत ही अच्छा था और यहाँ पीछे से इसमें चेन है तो ये बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है कम्प्लीट, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और उसका जो नीचे का स्कर्ट है वो ये, यहाँ पर मैंने डोरी नहीं लगवाया था, मैंने यहाँ पर ये बटन लगवाया है पट्टी वाला, ताकि इससे बहुत ही अच्छा स्कर्ट का लुक आए। और ये देखिए ये जो स्कर्ट का प्लेटिंग है ये कुछ इस टाइप से है दोनों तरफ से लेकर के, ताकि ये जो है आपको बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं और इससे ना घेर बहुत ही अच्छा आता है देखने में, आप देख सकते हो इसका प्लेटिंग कैसा है और इसका घेर है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छा घेर है, काफ़ी अच्छा घेर है इसका, बहुत अच्छा घेर है आप देख सकते हैं। और इस लहंगे का साथ को मतलब इस ये मेरा पिंक कलर का लहंगा था तो इसे कॉन्ट्रास्टिंग बनाने के लिए मैंने इसके साथ में नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा कैरी किया था जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। मैं दोनों के पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, आप इसको देख सकते हैं कि कैसा लुक आता है इसमें। और अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर सब्सक्राइब और लाइक कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हो अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।